आज हमारी पब्लिक क्रिटिसाइज हो गई है, यानी जो आज पब्लिक के अंदर है खुददारी की वजह से अपनी कौम जाग उठी है, खुददार कौम जिसकी खुददारी को जगा दिया, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, खुशाइन चीज़ है मुल्क के लिए कि जब कौम क्रिटिसाइज हो जाती है। सबसे बड़ा मुल्क के अंदर मसला ये होता है कि जब कौम न्यूट्रल हो जाती है, जब कौम ना तीतर ना बटेर हो जाती है, ना जब कौम को राय हक पे खड़े होने की उसके अंदर वो जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है, वो कौम ख़त्म हो जाती है। जितनी कौम क्रिटिसाइज होती है, यानी क्रिटिसाइज का मतलब कि वो इंसाफ के लिए खड़ी होती है, वो अपने इश्यूज के लिए खड़ी होती है, मुल्क की खुददारी के लिए खड़ी होती है, वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के लिए खड़ी होती है, तो वही जिंदा कौम है।